हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉर्न विद किड्स। आज हम हिंदी की वर्कशीट देखने वाले हैं यूकेजी एंड फर्स्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए पंक्ति पूरी करें, ये व्यंजन है, व्यंजनों की पंक्ति पूरी करनी है। स्वरों की जो पंक्ति है वो तो बच्चों ने एलकेजी में ही शुरू कर दी थी लिखना, और यूकेजी तक आते आते लास्ट यूकेजी तक फर्स्ट तक उनकी बहुत अच्छे से वो लिखना सीख जाते हैं। बट व्यंजन का जो ऑर्डर होता है, व्यंजन की जो पंक्तियां होती है ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पंक्तियां बच्चों को यहाँ पे पूरी करनी है, जैसे क ख ग घ अड़ च छ ज झ ये ट ठ ड ढ अण, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए शब्द सही लिखें। यहाँ पे जो अक्षर है वो मैंने उल्टे फुल्टे कर दिए हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में करते हैं ना, जंबल कर दिए हैं। आपको सही जगह पे लिखे, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है। जैसे ये है क आ छू, तो इससे बनेगा कछुआ। क्या बनेगा? कछुआ। ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ड क स, तो ये है स ड क, की ताब, मटर, ठीक है, महल। ऐसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर गोला लगाओ। जैसे पहला है इसमें सही उत्तर के लिए विलोम शब्द। अब एक शब्द है, उसके लिए 3 विलोम शब्द यहां पे लिखे हुए हैं, जो सही है उस पर गोला लगाएंगे। पहले में विलोम शब्द है इसका, जो सही उत्तर का फर्स्ट है, काला, भूरा, पीला या सफेद, तो काले का सफेद। लड़का, आदमी, लड़की या बच्चा, लड़की। दिन, शाम, रात या सुबह, तो रात। ऐसे। इसी में सेकंड है पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, इसमें भी जो सही है उसी पे गोला लगाना है। फूल, फल, सुमन या कमल, तो सुमन, पे गोला लगा देना है। चांद, चंद्रमा, चांदनी या चंद, ठीक है, तो चंद्रमा। घर, ग्रह, महल या भूमि, ग्रह। पेड़, पत्ता, वृक्ष या पौधा, वृक्ष। ओके। नेक्स्ट देखिए मिलान करो। गाय, गाय दूध देती है, तो ये होगा दूध। बाग, बाग में फूल लगते हैं। स्कूल में छात्र या बच्चे जाते हैं। सूरज हमें रोशनी देता है। हिमालय एक पहाड़ है, ठीक है। ऐसे वाक्य बनाओ। अब अगेन इस बार मैंने पहले जहां शब्द को आपको बनाना था, सही जो अक्षर है उनको सही जगह लिखकर, इस बार जो सही शब्द है उसको सही लिखकर वाक्य बनाना है। अकबर राजा था एक, तो बनेगा अकबर एक राजा था, ठीक है। माँ बना रही है खाना, माँ खाना बना रही है। दादाजी सैर करते हैं रोज, दादाजी रोज सैर करते हैं। इस प्रकार आपको सारे जो वाक्य हैं वो पूरे करने हैं। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।